क्या चल रहा है, कैसे हैं सब। आज है 28 जुलाई, आज से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग फिलहाल निकल रहे हैं रांची के लिए। मेरा फ्लाइट है कल 10 बजे 29 तारीख को, एंड इसके बाद शाम में शताब्दी वही फगवाड़ा के लिए। तभी यहाँ पीछे मंदिर में आए हुए थे पूजा करने के लिए, भगवान से आशीर्वाद देने के लिए कि भगवान पिछले बार जितने भी कांड हुए, जितने भी खराब दिन गए, जितना भी कुछ दिक्कत हुआ, वो सब मैं बचा लीजिएगा। इस बार हमें ये ईयर एकदम अच्छा से जाए, एकदम स्मूथली निकल जाए, अच्छा से मार्क्स वार्क्स आए, क्योंकि फाइनल ईयर है। इसके बाद तो बीटेक के लिए देखना है आगे, जो मिलते क्या पता, देखो अगले साल क्या होता है। तो इस साल बचा लीजिएगा, इसलिए भगवान से अच्छे से प्रार्थना उतना कर लिए। अभी चलते हैं वापस घर की तरफ, सब तो पैक हो गए हैं, तो गाड़ी में बैठते हैं, रांची के लिए निकलते हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खुले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखेंगे निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। भैया एक बात पूछे, अगर मानिए ये आधा घंटा लेट हो जाता है, हाँ। तो क्या आपका जेब से जाता है? नहीं सर, वो सब कंपनी के जाता है। देखा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप भैया, अगली बार से लेट आइएगा। तो थैंक यू भैया। एक हमें तो पहले ही बोला था कि जीनियस लोग को पहले से पता होता है, ये सब बोकल लोग के बारे में हम क्या बता रहे हैं। गाली नहीं है, फैमिली ब्लॉग होता है ये सब। अरे बेंच स्टोक्स गाली नहीं होता, जैसा क्या बेंच टू क्रिकेटर। अरे लेके आओ ना, प्लेट लेके आओ, प्लेट लेके। गाइस गरीब लोग को आप लोग स्नैप लेते हुए देख सकते हैं, बेचारे का भी जिंदगी में पिज्जा देखते हैं कभी कभी। रोड से लाके डब्बा फेंक दिए। तो और भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या चल रहा है। आज है फाइनली मेरा जाने का दिन, जिस दिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से रांची से दिल्ली। एंड भाई साहब, आज बार जो ये रिक्शा ने दिमाग ख़राब किया मेरा लगेज को लेके, एक तो एक घंटे तक मैंने लाइन में खड़ा हुआ है। अगर इस जगह से लाइन स्टार्ट है तो मैं ना आधा घंटा बाद बस इसी जगह, बस इतना सा डिस्टेंस कवर किया और जाना उस जगह पर है, उस साइड है, लेकिन उस साइड में नहीं जाना, काफ़ी भीड़ है। बस इतना सा एक घंटे तक यहाँ, और फिर यहाँ पर जो एक जो पता नहीं क्या स्टाफ दिमाग लाइक ना, पहली बार इतना घटिया लाइक इतना वाहियात एक्सपीरियंस हुआ ना मेरा एरिया के साथ। नहीं देखो, मेरा नॉर्मल था कि हर बार मैं 15 kg का जो क्या होता है कैर चेक इन बैग होता है दे देने वाला, वो हो जाता है। एंड तुम्हारा एक होता है कैरी ऑन बैग 7 kg का, एंड लैपटॉप बैग, हर बार नॉर्मल जनरल स्टैंडर्ड ही होता है, तो मैं वही करता हूँ। तो इस बार मैं क्या किया, स्टूडेंट आई डी कार्ड लगा दिया, 25 kg मिल जाए, 25 kg आराम से मिले गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर मेरा जो एक और जो कैरी ऑन बैग होता है वो 7 kg अंडर होना चाहिए, मेरा 5 ही kg था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन पता नहीं ज़िंदगी में पहली बार लाइक मैं तीसरी चौथी बार एयर एशिया ट्रैवल कर रहा हूँ, एक बार विस्तार से भी ट्रैवल किया पिछली बार, मतलब बोलते लैपटॉप बैग भी अब वेट करवाना है। तो मैंने तो मेरा लैपटॉप है 2 kg का, अब उसको आप चेक करने लगेंगे तब तो वेट तो बढ़ जाएगा। अब उन लोग वहाँ 1000 रुपया का स्टार्ट कर देंगे, नहीं है तो फाइन लगेगा 1000 रुपया। लाइक मेरे को क्या पता, अगर मेरे को पता होता मैं दूसरा बैग ले ही के नहीं आता, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ कि आप लैपटॉप बैग चेक, लैपटॉप बैग चेक है तो चेक इन बैग लॉजिक ही नहीं बनना। अच्छा माने मे भी होता होगा, मुझे कहा था मैं कौन सा बचपन से सब प्लेन में चढ़ते आया हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इन लोगों ने लैपटॉप बैग भी मेरे साथ चेक करवाया। तो उसके वजह से जो भाई साहब, फिर मम्मी को बुलाया, सामान निकला, फिर दिलवाया, फिर वापस दिक्कत हो गया, फिर एक भले आदमी बोले मिले, वो बोले क्या करो लैपटॉप बैग ही दे दो और जो चेक इन बैग होता है वो दे दो और जो कैरी ऑन बैग होता है वो अपने साथ ले लो, और जब जा रहे होगे जब पास वास मिल गया होगा, इसी की कहाँ गया, इस तरह का पास वास मिल जाएगा तो तुम क्या करना, साइड से आना, गेट के पास से ले जाना। वाह यार अंकल क्या बात है, आप तो बोले क्या बात है, ये तो बढ़िया तरीके है। तो वो भरसमान आदमी थे, लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ अच्छे बढ़िया आदमी थे, उन्होंने हेल्प किया। तो मैं लगा वाह यार बढ़िया है, मैं अक्साफ काम हो गया, इजली मिल गया। उधर से फिर वो क्या स्टाफ देख ली भाई साहब, उसके बाद जो मेरा हालत ख़राब की हुआ आधा घंटा तक, लाइक 1000 रुपये का रोना रोना। तो भाई साहब लेकिन कितना मुश्किल से, कितना लाइक ऐसा लगे पहली बार से लाइक गिर गिर आना भरा मेरे को, मैम प्लीज़ लाइक कॉलेज में मैं सामान वान लेके नहीं जाऊँगा कॉलेज, तो मैं आके डांस करने जा रहा हूँ, घूमने फिरने जा रहा हूँ। उसके बाद तो भाई साहब कितना
रोना रोने के बाद कितना रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली मेरे को अपना बैग ले जाने मिला तीनों। बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस। छोड़ अभी वैसे ही मूड ख़राब हो गया, ये बात बताना था तो सोचा कि मैं भी क्या पता ये रिशा के लोग देख ले इतना ब्लॉग फेमस हो जाए तो शेयर कीजिएगा, रिशा को कंप्लेन कीजिएगा। तो मूड भी नहीं करता ये शेयर ट्रैवल, ट्रेन बेस्ट होता है, कितना ले कोई टेंशन नहीं है, 75 आदमी को बैठा के लिए कोई टेंशन नहीं है। छोड़ अब दिल्ली पहुँचते हैं, वहीं जाके बाकी बात करते हैं। जहाँ मुस्कुराहटें हैं बिखरी, जहाँ से गम का मौसम गया। तो भाई लोग अभी फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, यहाँ आके कितना बढ़िया लग रहा है, क्या सेक्सी एयरपोर्ट है, देखो कितना स्पेस है, इतना मैं तो ना वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ना दिखेगा भी नहीं, क्या बढ़िया एयरपोर्ट है, यहाँ आके फील आ रहा है, सही लग रहा है। वहाँ पर तो भाई आज एयर एशिया एकदम पगला कर दिया था, आज तो लग रहा था गायब, तो आज तो पैसा गया फालतू का एक्स्ट्रा, छोड़ो जो भी है, लेकिन अभी आके एकदम खुला खुला आसमान बढ़िया लग रहा है, अभी सही लग रहा है। अब 4:30 में मेरा शताब्दी है, वो पकड़ना है, अशर और ईशा जैसे पिछले बार में साथ आए थे, इस बार भी हम लोग साथ ही टिकट हो गया बाई चांस, ऐसा नहीं कि हम जान उसका कोई प्लानिंग नहीं, बस गलती से भाई साहब क्या भयंकर। और फिर मंडे से क्लासेस, अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, बैग वैग लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के बातचीत करते हैं, भूख भी बहुत लगा, हमें खाना पीना दे दिए तो वही खाएंगे। गाइस हमेशा ये जगह अलग ही, जो अभी सीन दिखाने वाला हमेशा मैं बड़े बड़े ब्लॉगर्स यूट्यूब वीडियोस इंस्टाग्राम पोस्ट में देखा था, कभी नहीं सोचा था कि मैं ये देखूंगा, ये देखूँ ये पीछे दिल्ली एयरपोर्ट का ये डिपार्चर अराइवल जो भी होता है, भाई क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार, भाई हमेशा जो चीज़ देखता था ज़िंदगी में पहली बार खुद से देख, ये देखिए वो क्या बढ़िया लग रहा है। देखो भाई मैं तो ये जो करता हूँ नहीं, लेकिन जब इतना मस्त सबको ले कर जाता है तो सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ, फीलिंग आएगा अब मतलब मज़ा तो आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया फीलिंग है, नए नए चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पहली बार इस टाइप का ऐसे चीज़ें बढ़िया करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, आगे जाके काम आएगा। भूले हम भी जो सारी फिक्रे, लम्हा लम्हा खुशियां बिखरे। मम्मी घर से खाना पीने की थी, खाना पीना खा लिए, अभी फिलहाल वैसे रेलवे स्टेशन में वॉक कर रहा था, अरे अनाउंस कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली रांची रांची राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, मेरा घर जाने का मन करे लगा भ्रमट कर रहे हैं कि देखो ट्रेन आ रहा है, टिकट अगर बुक करो घर चल जाओ। ऐसा अभी अभी बच रहे हैं 3:50, अभी और आधा घंटा उसके बाद हम लोग का ट्रेन खुलेगा, वैसे भी ट्रेन कम से कम 5-6 मिनट भी लेट ही चल रहा है तो समय लग सकता है, 5-6 मिनट लेट चल रहा है तो क्या 10-15 मिनट लेट पहुँचेगा, तभी 10 बजेगा, अभी पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा जर्नी अभी और है। तो भाई और उनकी बहनों अभी हम लोग फवारा स्टेशन पहुँच चुके हैं, बगल में ट्रेन खुल भी चुका है, 2 मिनट रुका था, और अभी हम लोग देख रहे हैं उतना ऊपर जाना है, और यहाँ पर वो भी नहीं होता है क्या कहता है एस्केलेटर, ये 25-25, 30-30 किलो का अभी हम लोग को बैग उठाना होगा, इसमें हम लोग का हालत खराब हो जाएगा, 25 किलो का बैग यहाँ से उतना ऊपर, भाई एक नहीं हम लोग कल लौटना पड़ेगा, 3 लोग मिल गए फोर्ट ही जाए हमसे दिल ने कही जो बातें आओ मान ले, जिस पे चलता नहीं है कोई राह। सो गाइस पूरा सिस्टम हैंग हो गया भाई साहब, इतना गर्मी यहाँ पे, इतना गर्मी की हालत खराब है, एंड ये सब 1000-1000 किलो का बैग लाते लाते लेकिन दिख रहा है ये माथा खराब, इतना भारी, इतना हालत खराब हो गया भाई, इतना थक गए हैं, बस अब लिफ्ट आने तो ये पर ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा सा बैठ के दूसरे सांस लेते हैं, फिर आप से बात करते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था कि फिलहाल मैं अभी अपना रूम में सामान वामान बैग वैग सब रख दिया, एंड भाई एल पी का मेंटेनेंस का हो या फिर मेरा किस्मत का हो पता नहीं क्या, मैं तो एल पी को मैथ्स के बारे में तो गाली दे देकर थक जाते थे जो मैथ्स नहीं लिया, अब लगता है कि हॉस्टल लेना कि पापी ना मेरे से मेरा हॉस्टल मेरा रूम है ना, दोनों रूम में पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है, खाली इधर बत्ती जला के छोड़ दी, अभी तो पता नहीं मेरे सामने रूम था वहाँ पर एसी चल रहा था, मुझे चाहिए भाई कौन रूम में पंखा कुछ तो
दिखाएगा कि नहीं भैया हम भी तुम्हारे भगवान हैं, हम भी कह रहे नहीं लोग सब बात सुनेंगे, लेकिन इतना पैसा रहेगा ना पैसा मतलब तेल लेकर रहेगा। छोड़ो कोई नहीं, मिलते हैं कल या किसी और दिन, जैसे नहीं बोला मिलते हैं, बाय बाय, नमस्ते।